चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता है बंगलुरु से। अंकित क्या सवाल है बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने एसआरएफ के शेयर लिए हुए हैं सर, 2430 पे। 2430। यस सर। गाबा सर क्या इरादा बनता है आपका एसआरएफ? हाँ, 6 महीने से 12 महीने तक रुक सकता हूँ सर। 6 महीने से 1 साल के लिए क्या एसआरएफ को रोक के रखना चाहिए? अभी इनके प्राइस के लगभग करीब ही है। 1 साल के लिए रखना है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिप मिल सकता है एसआरएफ में। अगर मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगा। मेरे ख्याल से 1 साल का अगर नजरिया आपका है तो यस, होल्ड कर सकते हैं एसआरएफ। तो यानी डिप मिले तो और खरीद सकते हैं अंकित? बिल्कुल, 2000-2100 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहां पर खरीदने का मौका, अगर वहां आता है तो। मैं एक बार भी नहीं कहता कि वहां आएगा, लेकिन वहां आता है तो खरीदारी का मौका बन जाता है। ओके, तो अंकित आपको होल्ड करना है, और अगर नीचे है तो आप और बाइंग भी कर सकते हैं, इसमें लेवल्स आपको बताए गए हैं। अगला सवाल है आर एस संधू का दिल्ली से। संधू साहब नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार नीरज जी। जी नमस्कार सर। 3000 शेयर है जी, पीएनबी बैंक है। ओके, 3000 पंजाब नेशनल बैंक। होल्ड करूं या उनको शिफ्ट करूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या एबी कैपिटल? ये आपने आजकल में लिए क्या पीएनबी? नहीं, एक्चुअल क्या था कि मैंने, मेरे को 4 साल हो गए हैं पीएनबी। पहले 80 में लिए 1000, फिर मैंने लिए 30 में, फिर 40 में लिए। एवरेज 50 की पड़ गई मेरे को, 4 साल हो गए मेरे को। ये डिविडेंड आ रहा है इनका, मेरे को 2 बार आया। कितना मेरा डिविडेंड? डिविडेंड मेरे को 1200 पीछे आया था, अब 2000 आएगा। 3000 रुपये मिलेगा 3000 शेयर पे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। गवा सर, 4 साल की होल्डिंग और प्राइस वहीं पे खड़ा है, क्या करना चाहिए? गलत जगह पे लिया था, उसके बाद इसलिए 4 साल हुए। अगर 4 साल अगर बाय मोड पर लेते तो अच्छा मुनाफा मिलता, लेकिन अब लगता है कि यहाँ पर ये बेचने की जगह नहीं है, मतलब निकलने की जगह नहीं, अब तो होल्ड करने की जगह है। मेरे ख्याल से आप इनको होल्ड करना चाहिए। लगाना है तो 40 का स्टॉप लगाइए, और मे बी जस्ट टाइट स्टॉप लगाना है तो 44 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। अपको मिलना चाहिए स्टॉक में, मेरे ख्याल से 70 तक जाना चाहिए। अगर अपको मिलता है तो 70 तक वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड करिए। आईडीएफसी फर्स्ट भी ले रखा है संधू साहब ने। किस भाव पे लिया संधू जी आपने आईडीएफसी फर्स्ट? वो मैंने 48 में लिया। 48 में 48 मिल जाएगा सर, उसमें क्या करना चाहिए? डबल हो गया इसमें तो, इसमें तो डबल हो गया। इसमें सबसे पहले एक स्टॉप लगाना चाहिए 70 का, अगर 70 ब्रीच टेक मनी होम और कंटिन्यू होल्ड कीजिए आईडीएफसी फर्स्ट। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, अगर वहां टूटे तो प्रॉफिट घर ले जाएगा। अच्छा, ये वाला ट्रेड तो बढ़िया बैठा है इनका, ऑलमोस्ट डबल के आसपास ही बैठ रहा है यहाँ पे, डबल थोड़ा कम, लेकिन ठीक ठाक अच्छा ट्रेड रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।